तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल शुभम माइंड चेंजर में। दोस्तों बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में, बहुत ही बड़ी खबर है। कब आएगी SIT रिपोर्ट, रिजल्ट आएगा या भर्ती रद्द होगी, सभी फैक्ट पे बात करेंगे। आलोक कुमार जी DG देहरादून, उनसे दोस्तों मुलाकात की बेरोजगार संगठन ने, उनसे बात की, उन्हें ज्ञापन दिया, तो क्या कुछ मामला निकल के आया, क्या दोस्तों उनसे बात हुई, सभी आपको बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत मेहनत आपके लिए की जाती है, छोटी छोटी अपडेट आपको सबसे पहले, और दोस्तों वो भी जैनमिन खबरें, ठीक है, करा दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि सांप मर जाए और आप लाठी लेके फिरते रहें, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं SIT रिपोर्ट कब आएगी, उसके संबंध में क्या कुछ बात हुई DG हमारे जो आलोक कुमार जी हैं उनसे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज 14 जुलाई को उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का प्रतिनिधित्व मंडल वन आरक्षी परीक्षा मामले में धांधली को लेकर गठित जो SIT टीम है उसमें दोस्तों जो रिपोर्ट जारी नहीं हुई काफ़ी समय से लेकर, उसको जल्द सार्वजनिक करवाने के लिए हमारे जो DG साहब हैं आलोक कुमार जी उनसे मिले। तो DG साहब ने क्या कुछ कहा उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बता दूँ। तो DG साहब ने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो आपके SSP हैं SIT हैंड SSP हरिद्वार उनके पास फ़ोन किया और उनसे बातचीत की, और बातचीत करते हुए उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए, सख्त निर्देश दिए कि जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए, जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और 10 से 15 दिन के भीतर, यानी कि 10 से 15 दिन के भीतर, यानी कि दोस्तों 31 जुलाई से पहले रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। उसके बाद जब उन्होंने बात की कि मामला लंबा क्यों खींचा, अभी तक 4 माह जैसे हो चुके हैं अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो SSP साहब द्वारा कहा गया कि फर्स्ट तो दोस्तों कोरोना चल रहा है और दूसरी बात पुलिस की तरफ से अभी भी 2 व्यक्ति गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, यानी कि 2 व्यक्ति और हैं जो कि वर्तमान समय गिरफ्त से बाहर चल रहे, यानी कि 14 से समथिंग पहले गिरफ्तारी हो रखी है 2 व्यक्ति हो, यानी कि लगभग 16-17 व्यक्ति इसमें दोस्तों गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन 2 व्यक्ति अभी भी गिरफ्त से बाहर है, चलिए जिस वजह से रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों हम देखो हम घर बैठे क्या लगा सकते हैं, आप बोल रहे थे कि पेपर रद्द नहीं करना चाह रहे इस वजह से रिपोर्ट नहीं आई, कोई कह रहा था कि रिजल्ट जारी करना चाह रहे इस वजह से रिपोर्ट नहीं आई, तो दोस्तों हम सिर्फ घर बैठ के संज्ञान ला सकते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं हमें पता चलता है कि क्या कुछ है। जैसा मैं गया था अभी 1 जुलाई को मैं गया था, वहाँ पर भी मेरे सामने यही बात आई थी कि रिपोर्ट की जाँच चल रही है और जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, अभी भी कुछ व्यक्ति हमारी गिरफ्त से बाहर हैं, मुझे भी सेम यही बात कही गई थी, ठीक है। उसके दोस्तों इसके बाद भी उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की ओर से दोस्तों DG आलोक साहब को एक बात और जता दी गई है कि SIT रिपोर्ट अगर जल्द जारी ना हुई, SIT रिपोर्ट अगर 31 जुलाई, वही दोस्तों 15 से 20 दिन कहे हैं तो 31 आज 14 जुलाई है, 15 दिन और मान लो, 31 जुलाई तक अगर बाई चांस रिपोर्ट 1% ना आए तो बेरोजगार संगठन सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी कि बाध्य हो जाएगा आंदोलन करने के लिए, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, क्योंकि दोस्तों बेरोजगार संगठन का पहले से उद्देश्य रहा है कि अगर कोई भर्ती में धांधली हुई है तो उसकी जांच जल्द से जल्द करके उसका निष्कर्ष जल्द से जल्द निकाला जाए, चाहे दोस्तों ये रद्द हो या दोस्तों रिजल्ट आए, जो भी हो जल्द हो, क्योंकि उत्तराखंड का युवा काफ़ी बेचैन है, लगभग 4 मंथ हो चुके हैं अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उत्तराखंड का जितना भी हमारा प्रशासन है, जितना भी हमारा प्रशासन है काफ़ी स्पीडली कार्य कर रहा है, कोरोना जैसे टाइम में भी उन्होंने आपका हरिद्वार में से 2-3 आपदों को गिरफ्तार भी किया उसी बीच दौरान, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोरोना ने थोड़ा सा कार्य तो बाधित किया, थोड़ा सा समय लंबा लगा, लेकिन कोरोना में भी हमारा जो प्रशासन था वो दोस्तों कार्य करता रहा, और बहुत बहुत बधाई के पात्र होंगे क्योंकि इतना बड़ा मामला उन्होंने हालांकि थोड़ा समय लगाया लेकिन निष्कर्ष की ओर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर हमारे DG साहब से कि उन्होंने
बहुत अच्छा आश्वासन दिया, बात उन्होंने की और इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक कुमार जी का, और साथ में धन्यवाद हमारे जो SSP साहब हैं, जो हरिद्वार SSP साहब हैं उनका भी, कि उन्होंने इस मामले में निष्कर्ष देते हुए उन्होंने साफ साफ बता दिया कि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर चल रहे हैं, जिस वजह से अभी SIT रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तो सभी बच्चों में बता दूँ, टेंशन बिल्कुल ना लें, जो भी होगा निष्कर्ष जो भी निकलेगा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रद्द के पक्ष में भेदभाव होगा या रिजल्ट के पक्ष में भेदभाव होगा, जो भी होगा निष्कर्ष निकलेगा लगभग मैं बता दूं 14 के आसपास पहले गिरफ्तारी हो रखी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 2 गिरफ्तारी अभी भी बता रहे हैं कि 2 गिरफ्तारी अभी भी होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अपना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पढ़ाई की ओर अग्रसर रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है। ये जो मैटर इतना सारा जो उलझा, ये थोड़ा सा कोरोना को लेकर, और कुछ आपको बता दूं फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, किसी की ज़मीन का मामला नहीं है, किसी की डोरनी ढा दी या किसी का कहना किसी को बजा नहीं दिया, लड़ाई बड़ाई कोई इतना छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है। इसका निष्कर्ष थोड़ा समय लेगा लेकिन निकल जाएगा। ठीक है, तो इंतज़ार करें 31 जुलाई के आसपास तक रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 31 जुलाई से पहले पहले रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद, जो व्यक्ति आज संगठन के जो प्रतिनिधित्व हमारा DG साहब से मिलने के लिए गया था उनका धन्यवाद, और साथ में आप सभी को जानकारी मैं दे दूं कि वीडियो को आपको शेयर करनी है, सभी मित्रों तक शेयर करनी है जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित हैं।